फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। सो चलिए आज हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ ओगर के चिल्ले। तो जो ओगला होता है उसके चिल्टू बनाने वाले हूँ। सो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ उगर के चिल्ले कैसे बनते हैं। आज की रेसिपी अगर किसी को पर्सनली सीखनी है तो कमेंट करके बता सकता है। तो ओहो, गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। आव्या गुड मॉर्निंग। बिट्टू बोलो। हां जी मम्मा। गुड मॉर्निंग। ओहो, भैया को डरा रही हो आप? बोलो भैया। गुड मॉर्निंग भैया, बोलो। गॉड ब्लेस यू। बोलो भैया गुड मॉर्निंग। डराते थोड़ी है भैया को, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। खुशी मिली आपको, है ना भैया आया आपसे मिलने को, है ना? हाँ जी, बोलो। हाँ जी, इतनी खुशी। चलिए गाइस आपको बताते हैं उगड़ के चिल्ले कैसे बनते हैं। सो आज हम आपको उगड़ के चिल्ले बना करके बताते हैं। सो इसमें डाला है हमने हल्का सा नमक और फ्लेवर के लिए हल्की सी हल्दी डाल दी है ताकि इसमें थोड़ा सा येलोइश कलर आए, अदरवाइज ये थोड़े से ब्लैक बन। सो अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये थोड़े काले काले बनते हैं इसलिए हमने फ्लेवर के लिए हल्दी डाली थी ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो अब हमने इसमें पानी डालते जाना है। ये हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें आपने ये भी चेक करना है इसमें, ताकि इसमें दाने दाने से ना बने, इसको अच्छे से मैश करना है। देखिए ये बन गया है। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, सो ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश आपको दिख रहा होगा क्योंकि हमने इसमें हल्दी डाली थी, अदरवाइज इसका कलर ब्लैक होता है। ये देखिए, ये हो गया पक्के तैयार। ये देखिए, इसको ऐसे डाला जाता है और इसको ऐसे घुमाना है राउंड राउंड करके।
इसको थोड़ा मोटे बनाना है, जैसे हम चिंटू बनाते हैं पतले पतले, तो इसको पतले नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा हमने मोटा रखना है। ये देखिए ये पक के कितनी अच्छी रोटी तैयार हो गई है। अब इसको पलट देते हैं हम, ये देखिए कितना सुंदर है, ये पलट दिया है। अब हमने इसको दूसरी साइड से भी ऐसे पकाना है और पका के निकाल देना है।